जबलपुर के नया गांव इलाके में तेंदुए के आतंक से छुटकारा पाने के लिए अब पीड़ितों ने हाई कोर्ट की शरण ली है, जिसके लिए आनंद कृष्ण नेमा ने तेंदुए को पकड़वाने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि पिछले 2 महीनों से एक तेंदुआ अपने परिवार समेत रिहायशी इलाके में घूम रहा है और जानवरों का शिकार कर रहा है, जिससे इंसानों के लिए एक खतरा बन गया है। विगत कई दिनों से हमारे नयागांव वासी तेंदुए से काफ़ी दहशत में हैं। वहाँ का आम हमारी दिनचर्या भी काफ़ी से प्रभावित हुई है, तो कई लोगों का ये सोचना था, सदस्यों का, कि इसमें हम हाईकोर्ट में क्यों ना जनहित याचिका लगाई जाए। तो हमारे एक सदस्य हैं आनंद नेमा जी, जो नयागांव में निवास करते हैं, वे अधिवक्ता हैं। उन्होंने एक आज PIL दायर करी है हाईकोर्ट में, और उसमें ये इसमें सरकार को नोटिस भी जारी हो गया, इसमें फॉरेस्ट विभाग और सरकार कलेक्टर जबलपुर को उन्होंने पार्टी बनाया है, और उसमें यही मांग करी है हाईकोर्ट से कि इतने दहशत में हम लोग यहाँ रह रहे हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई, जो वन विभाग द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, और वन विभाग या सरकार प्रशासन को माननीय उच्च न्यायालय निर्देशित करे कि रहवासी क्षेत्र से ये जो जंगल की प्रजाति है तेंदुआ, इसको यहाँ से रेस्क्यू कर वापस जंगल में छोड़ा जाए, ताकि हम लोगों को राहत मिल सके। दरअसल तेंदुए की दहशत की वजह से नयागांव क्षेत्र के निवासी शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी शिकायत वन विभाग समेत शासन के कई अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अधिकारी तेंदुए को पकड़ने के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने महज दिखावे के लिए पिंजरा रख दिया है। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और वन विभाग से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। जबलपुर से न्यूज़ के लिए हरीश दुबे की रिपोर्ट।